जवान खूबसूरत और 15 माह तक शादी कर ले तो 12 लाख की मालिक। लेकिन उसको क्या मालूम है कि 15 मार्च तक उसकी किस्मत में क्या लिखा है, शादी या मौत। नया साल मुबारक हो चाचा जी। मैं तो किसी और ही मुबारकबाद का इंतजार कर रहा था। वो कौन सी? मैं तुम्हारी शादी की खुशखबरी सुनने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हारे पिता की वसीयत के मुताबिक अगर तुमने 15 मार्च से पहले शादी न की तो 12 लाख से हाथ हो गए और फिर तुम गरीब। चाचा जी, क्या गरीबों की शादी नहीं होती? जिद मत करो इंदिरा, अगर तुम्हें आदमी परखने की इजाजत नहीं तो मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का तलाश कर सकूं। आज लोग तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करते हैं, और हो सकता है तुम गलत आदमी चुन लो। मुझे जिंदगी का तजुर्बा है, अच्छे बुरे की तमीज कर मैंने दुनिया देखी, और फिर मैं तुम्हारा गार्डियन हूं। मेरी मानो तो तुम मेरी मर्जी की शादी करो। चाचा जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, 15 मार्च से पहले ही मैं अपनी पसंद का लड़का ढूंढ निकालूंगी जो मेरी दौलत से नहीं मुझसे शादी करेगा। मैम साहब, मोहन बाबू आए हैं। मोहन बाबू जी। हेलो मोहन। हेलो इंदिरा। ये क्या हो रहा है? दिल का निशाना करता हूँ मगर वार हर दफे चूक जाता है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं। क्यों? नया साल मुबारक। सेम टू यू, मेनी मेनी थैंक्स। परमात्मा करे तुम जियो 100 बरस और हम जिए तुम्हारे साथ। भगवान करे आप 1000 बरस जिए। लेकिन हमारे बगैर। कहे जाओ, लेकिन हम भी बहुत बड़े भीत हैं। जी जनाब, ऐसी बातें सुनकर भी हौसला नहीं छोड़। हौसला मत छोड़ो, लेकिन मेरा हाथ तो छोड़ो। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। मोहन, तुम भी बैठो ना। मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं ड्राइविंग के मूड में हूँ। ओह, तो फिर एक कार खरीद लो। तुम्हारी मेहरबानी हुई तो एक दिन कार भी खरीद लूंगा। मेरी मेहरबानी से कार का क्या ताल्लुक? जब तुम हो जाओ मेहरबान तो किस्मत भी मेहरबान हो जाए। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। जानती तो हो इंदिरा, फिर भी पूछती हो। आई लव यू। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मां नहीं, बाप नहीं, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। मैं क्या क्या ख्वाब देखता हूँ तुम्हारे लिए। हम लोग हवाई जहाज पे उड़े जा रहे हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी ऊंचे भी उड़ सकते हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इंदिरा। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी के यहाँ 10 साल नौकरी की थी, और मैं जिंदगी भर तुम्हारी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नौकर नहीं, मालिक चाहिए। तुम जैसे कहोगे वैसे मैं अपने आप को बना लूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं मेरा ख्याल है कि तुम्हें खुली हवा की जरूरत है। आओ तुम्हें सैर करा ला। मोहन, आजकल तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल है? एक साल में 3 काम किए मैंने। वो कौन से? फर्नीचर की दुकान खोली, पान, रेस्टोरेंट खोला, पान, डांसिंग स्कूल खोला, वो भी बंद। बस एक दिल रह गया जो अब तक धड़क रहा है तुम्हारे लिए तेजी से।
पत्थर दिल को झुकाने का। मोहन, प्लीज मोहन। क्यों डर गई? कोई बात नहीं, फिर कभी से। मोहन, तुम्हें इस कदर तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्या करूं, आदत से मजबूर, हर काम जल्दी से करना चाहता हूं। Thank you. You are welcome. Yes, sir. यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। नहीं नहीं, मैं कॉफी पीऊँगी। कॉफी पीऊँ? अच्छा सुनो, तुम दो क्रीम कॉफी लाओ जल्दी। ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद है। देखिए ना, यहाँ की कुर्सी कितनी अच्छी है, टेबल, यहाँ की सर्विस और वो बैंक। मेरा मतलब है, मुझे यहाँ की हर चीज मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे कहीं से कुछ रुपया मिल जाए ना, तो मैं ऐसे ही रेस्टोरेंट खरीदूंगा। क्या तू मेरे साथ डांस करेगा? नो। तो फिर तेरी किस चीज पर नजर? इंदिरा की खूबसूरती पर या उसके डॉलर पर? मुझे बुलाया, यह इशारा किया। लड़की, ये जो है ना, ये इस होटल की डांसर है, मिस रोशन। किसी जमाने में मेरे भी रेस्टोरेंट में यही अपना डांस किया करती थी। लवली, मेरे साथ डांस करो ना इंद्र। मगर मोहन, मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं। इंद्र प्लीज, नहीं नहीं इंद्र प्लीज, मगर मोहन प्लीज को मी इंद्र प्लीज। तेरे दीवाने हैं, हम भी तो तेरे दीवाने हैं। दिल तोड़ के ना जा, मुंह फेर के ना जा। दिल तोड़ के ना जा, मुंह फेर के ना जा। हम भी तो तेरे दीवाने हैं, हम भी तो तेरे दीवाने हैं। दिल तोड़ के ना जा, मुंह फेर के ना जा। दिल तोड़ के ना जा, मुंह फेर के ना जा। हम भी तो तेरे दीवाने हैं। बेकल है जो तो तेरे दीवाने हैं।
हम भी तो तेरे दीवाने हैं। दिल तोड़ के ना जा, मुंह फेर के ना जा, हम भी तो तेरे दीवाने हैं। एक नजर देख इधर, इस दिल की कीमत क्या, एक अदा एक नजर, हम भी तो तेरे दीवाने हैं, हम भी तो तेरे दीवाने हैं। दिल तोड़ के ना जा, मुंह फेर के ना जा, हम भी तो तेरे दीवाने हैं। पास तो आ, छूने ना दे, बात ना कर, देख तो ले, हम भी तो ही गैर नहीं, तेरे लिए हम भी तो तेरे दीवाने हैं, हम भी तो तेरे दीवाने हैं। दिल तोड़ के ना जा, मुंह फेर के ना जा, दिल तोड़ के ना जा, मुंह फेर के ना जा, हम भी तो तेरे दीवाने हैं, हम भी तो तेरे दीवाने हैं। लेकिन क्या फायदा? फायदा मेरा मतलब देर हो गई। किस बात की देर हो गई? मेरा इशारा आपकी उम्र की तरफ था। तुम्हारा मतलब मैं बूढ़ा हो गया? लेकिन मेरा ख्याल है मैं बूढ़ा अभी तक नहीं हुआ, बल्कि तुम देर से जवान हुए। समझ लो बस। टाइम करेक्ट है, मैं कैसे जल्दी जवान हो गया? हेलो इंदिरा। हेलो मदन, आज कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता भूला नहीं, रास्ते पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। आज नए साल का पहला दिन है, कुछ इस मौके का फायदा उठा लूं। तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे तुम सौ बरस के। सौ बरस क्यों भाई, इतना जी के क्या करूंगा? इतनी जिंदगी तो रोटी की फिक्र में कट गई, जो बाकी रह गई है उसका अगर एक भी साल इस फिक्र के बगैर कट जाए तो समझूंगा तुम्हारी दुआ कबूल। एक शायर और मुसव्वर को रोटी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। यही तो अपनी बदकिस्मती है, और यही सोचकर मैं हमेशा तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन तुम तो दूसरों की तरह नहीं हो। न मैं दूसरों की तरह हूँ, न तुम किसी और की तरह हो। तुम तो मेरी वो तस्वीर हो जो मैं अब तक बना नहीं सका। अरे ठीक, ये गलत निशाने किसने लगाया? मोहन। ओ मोहन, अक्सर दिल के निशाने की कोशिश किया करता है। इंदिरा ये उसकी अच्छी आदत नहीं है, उसे समझा दो कि एक न एक दिन किसी के दिल का खून हो जाएगा। अगर दिल लकड़ी का हुआ तो खून कहाँ से निकलेगा? चलो मैडम,
कहीं घूमने चले। पर अभी तो तुम घूम के आई हो, थकी नहीं? बहुत थक गई हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मदन, अब तुम्हें मेरी जिंदगी के खेवनहार बन जाओ। तुम्हारा मतलब है गाड़ी मैं चलाऊं? इतनी बड़ी बात का तुमने इतना छोटा सा मतलब लिया? अच्छा चलो भाई। ये डांस अच्छा लगता है? अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन चमन का तो पीछा छुड़ाना है ना। अच्छा तो चलो यहाँ से निकल चले। हाँ चलो। चमन आदमी अच्छा, लेकिन उसकी सोच की बातें मुझे बोर कर। अगर कहीं देख ले कि हम यहाँ हैं। मदन, किसी के आने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। लो मिसेस रा, आपने मुझे पहचाना? जी हाँ, मैंने आपकी पेंटिंग खरीदी थी। आप मिस्टर जोशी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी हुई है आपको मेरा नाम तक भी याद। मेरी एक पुस्तक है और मेरा सब सामान हर चीज तैयार है। मैं आपका समय तुम रखूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये समा और ये फिर करूँगा नाला। देखिए मिस्टर जोशी, देखिए मिस्टर, आपको एक आर्टिस्ट के मूड की कदर करनी चाहिए। क्यों सर? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया मिस्टर जोशी। इंदिरा, तुम्हें आर्टिस्ट मूड की जरूर कदर करनी चाहिए।
बशर्ते के आर्टिस्ट भी दूसरे के जज्बात को समझ सके। थैंक यू वेरी मच मिस इंदिरा। प्लीज एक्सक्यूज मी, बात है थोड़ा सा जरा थोड़ा अभी लीजिए अभी लीजिए एक मिनट जरा सही ये बात है। मैं तो पहले ही आपका फेस गए जरा बस भाई लेकिन बहुत अच्छे हैं जोशी मेरा ख्याल मैंने आपको बहुत बचा दिया। वो कैसे? हाँ ये देखिए अरे वंडरफुल वंडरफुल वही जाने के आप भी पेंटर हैं? मेरा नाम मदन है। मदन ग्रेट पेंटर। मैं माफी चाहता हूँ मैंने आपको पहचान लिया। कोई बात नहीं देखिए मैंने हाईलाइट बना दिए अब घर जाकर रंग लगा लीजिए बस कह लीजिए। नमस्ते मदन तुमने कितनी जल्दी कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई। इंदिरा जब शेर अच्छा होता है तो लोगों को खुद पर खुद आ जाता है। मदन बेहतर इससे कि यहाँ पर कोई और आए तुम्हें मेरी बात सुनना ही होगी। मदन तुम आ गए। तुम्हारा टेलीफोन किसका टेलीफोन कौन बोल रहा है? बोल रहा था नहीं बोल रही थी। अरे पर किसको क्या मालूम कि मैं इस होटल में हूँ। कह रही थी कि बहुत जरूरी काम है जल्दी चलो। अच्छा मैं आता हूँ जरा चलो। मदन को कोई जरूरी काम पड़ गया उसने कहा कि मैं तुमको घर छोड़ाऊं। क्या वो चले गए? हाँ मालूम होता है कोई बहुत ही अर्जेंट मैटर था। अच्छा और कुछ कहा? कहने का टाइम ही कहाँ मिला। चलिए मैं आपको घर छोड़ाऊं। चलिए भर दिया। लाइफ इंश्योरेंस मेरा मतलब है जिंदगी का बीमा। नहीं जिंदगी का बीमा गाड़ी के बीमे से ज्यादा जरूरी है। फर्ज करो इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और तुम्हारी नन्ही सी जान चली जाए तो फिर ना इस गाड़ी को फायदा होगा और ना तुम्हारी जान को। तुम्हें मेरी जान से क्या परवाह? क्या बात करती हूँ जरा। मैं ये एक्सीडेंट कभी होने नहीं दूंगा। नंबर एक मैं खुद इस गाड़ी में बैठा हूँ। नंबर दो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है। नंबर तीन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझसे? यस। तुम्हें क्या मालूम इंदिरा मैं तुम्हारे लिए क्या क्या 400 BP करता हूँ। आज ही की बात लो वो अपना दोस्त है ना मदन आज उसी को काट दिया। झूठ बोल दिया कि तुम्हारा टेलीफोन आया है। तुम्हारे से अकेले में बात करना थी ना इसलिए। शर्म आनी चाहिए। शर्म हम एजेंट लोग बहुत बृहद ऐसी बातें बोलते हैं तो मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? बिल्कुल गलत बोल रहे हो। नियम साहब के साथ बैठकर गाड़ी में ऐसी बातें बोलते हो तुम्हें अगर खिलाफत है तो नीचे उतरो। तो मैं तुमसे कौन सा डरता हूँ? पीछे तो कहा इंश्योरेंस करा लो इसलिए कि मैं एजेंट हूँ। समझे? बहुत देखे तुम्हारे एजेंट एजेंट देखे। बीमा लाइफ बीमा बोल रहे Thank you.
इंश्योरेंस करा लो मिस्टर इंश्योरेंस करा लो, जितना पैसा डालो तुम उससे दुगना पाओ तुम। इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो भाई बाबू। इंश्योरेंस करा लो मिस्टर इंश्योरेंस करा लो, जितना पैसा डालो तुम अरे उससे दुगना पालो तुम। इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो बाबू, इंश्योरेंस करा लो मिस्टर इंश्योरेंस करा लो। कल को होगी शादी तो होंगे 12 बच्चे, कल को होगी शादी तो होंगे 12 बच्चे, बच्चों का क्या होगा दिन होंगे कैसे अच्छे। कल को होगी शादी तो होंगे 12 बच्चे, बच्चों का क्या होगा दिन होंगे कैसे अच्छे। बीवी बच्चों की खातिर अपना माल बचा लो तुम, जितना पैसा डालो तुम पर उससे दुगना पालो तुम। इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो अरे बाबू, इंश्योरेंस करा लो मैडम, इंश्योरेंस करा लो। लाखों फायदे हैं लोग कह के दास जमूरा, हरे राम 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 राम। लाखों फायदे हैं लोग कह के दास जमूरा, मर जाओ तो रोटी और जी लो तो खाओ शीरा। लाखों फायदे हैं लोग कह के दास जमूरा, मर जाओ तो रोटी और जी लो तो खाओ शीरा। पांचों उंगली घी में होंगी फार्म तो भरवा लो तुम, जितना पैसा डालो तुम उससे दुगना पालो तुम। इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो अरे आप पेंशन करवाए बाबू, इंश्योरेंस करा लो मिस्टर इंश्योरेंस करा लो, जितना पैसा डालो तुम उससे दुगना पालो तुम। इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो अरे बाबू, इंश्योरेंस करा लो मिस्टर इंश्योरेंस करा लो। लाऊं भाई, मैं तो कब तक आपका इंतजार करती रही, मगर आप टेलीफोन पर किसी लड़की से इतनी देर तक बातें करते रहे कि मेरा ख्याल ही नहीं रहा। क्यों, चमनलाल को तुम्हारे पास छोड़ा था, उसके साथ तो वक्त अच्छा कटा होगा। बहुत अच्छा, लेकिन मुझे उसके साथ वादा भी करना पड़ा। क्या वादा करना पड़ा? शादी के बाद 2.5 लाख रुपए की जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी। 2.5 लाख की अच्छा बिजनेस कर लिया। इसीलिए अकेले में मुझसे बात करने के लिए उसने आपसे झूठ कहा। मगर ऐसा क्यों किया उसने? क्यों नहीं करेगा, पिताजी की वसीयत के बारे में सबको मालूम है कि मुझे 12 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और ये भी मालूम है कि 15 मार्च तक मुझे शादी करना है। काश मैं गरीब होती, मेरी खुशी और शादी के दरमियान ये 12 लाख की दीवार ना होती। मैं होती और तुम होते। इंदिरा, तुम्हारे पिताजी ने ऐसी वसीयत क्यों की, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर उसकी क्या वजह है? इसकी वजह है निशा, पिताजी चाहते थे कि निशा की वजह से खानदान में एक बार जो बदनामी हो चुकी है वो दोबारा ना हो। मैं समझा नहीं, निशा कौन है? वो मेरी बहन थी जो मोटर एक्सीडेंट में मर गई। ओ समझा, लेकिन मोटर एक्सीडेंट में किसी का क्या कसूर, इसमें बदनामी क्या बात है? ये बात नहीं, ये देखो ये कटिंग मैंने तुम्हें दिखाने के लिए रख छोड़ी थी। मोटर एक्सीडेंट से दोनों की मौत, समझा? मगर तुमने देखा नहीं। क्या नहीं देखा? निशा की तस्वीर। निशा? अरे ये तो तुम्हारी तस्वीर है। नहीं, निशा की, हूबहू मेरी शक्ल थी,
हमारी माँ ने हम दोनों को एक साथ जन्म दिया, लेकिन दोनों के मिजाज अलग अलग थे। पिताजी के गलत प्यार की वजह से वो कम उम्र में ही गलत रास्ते पर चल पड़ी। लड़कों के साथ अकेले घूमती, क्लब जाती, डांस करती और रातों को अकेले देर से घर आती। यहाँ तक कि पिताजी के पैसे भी चोरी करने लगी। इंदिरा बेटी, इस राज में मैंने 500 रुपए रखे थे, वो कहाँ गए? निशा बेटी, तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं पिताजी, मुझे क्या पता। मैं क्या आपके नोटों की रखवाली करती रहती हूँ? फिर आपको क्या परवाह है 500 रुपए की? किसी नौकर वोकर ने उठा लिए होंगे। कुछ समझ में नहीं आता, इन सब नौकरों पुलिस में दे दूंगा। जरूर डैडी। अच्छा बेटा, तुम लोग आराम से सो जाओ। गुड नाइट इंदिरा। गुड नाइट पिताजी। गुड नाइट निशा। गुड नाइट डैडी। मैं जानती हूँ कि 500 रुपए तुमने ही चुराए हैं। हाँ हाँ, मैंने ही लिए हैं। पिताजी के पास लाखों रुपए हैं, इस 500 रुपए से उन्हें क्या फर्क पड़ता है? खबरदार, अगर तुमने पिताजी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हाँ निशा, इतनी रात गए कहाँ जा रही? अभी तो रात जवां है मेरी तरह, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मक्का जिंदगी का अच्छी तरह फायदा उठाती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने। एनी ऑब्जेक्शन? बाय बाय। मैं जानती थी इसका बॉयफ्रेंड कौन था। क्या होता, मैं नहीं जानता था कि मेरी अपनी ही औलाद इतनी नीच और कमीनी हो सकती है। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है निशा। इंदिरा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अगर तुम मेरी आजादी से इतना ही जलती हो तो पिताजी को बताने की क्या जरूरत थी? तुम भी मेरे साथ आ सकती थी। निशा, खबरदार जो इंदिरा को डराया धमकाया, आज से तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। खबरदार जो तुमने उस बदमाश प्राण से मिलने की कोशिश भी की। मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। मैं प्राण से मिलूंगी और जरूर मिलूंगी, दिन को भी और रात को भी। खबरदार जो फिर हाथ उठाया तो। आप संभालिए अपनी लाडली बेटी को, मैं अभी जा रही हूँ प्राण के पास। मुझे कोई नहीं रोक सकता। निशा, छोड़ दो मुझे। निशा बेटी, निशा। इंदिरा, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगी, तुम्हें जान से मार डालूंगी। निशा, निशा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। रामू, डॉक्टर को बुलाओ। पिताजी। और पिताजी इसी गम में बीमार पड़ गए। सारे शहर में बदनामी हो चुकी थी, लेकिन निशा और प्राण दिन ब दिन गुनाहों की वार में गिरते चले गए। मुझे देना सभी तुम्हारा डाल। कहा जाए कि बच्चे मुझसे बचेगा? आज तू भी नहीं बचेगा मुझसे। आज इसका मैं खात्मा करूंगी। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। मर्डर! निशा, प्राण जी तुमने क्या किया? बात पुलिस के आने से पहले बात कमरा में प्लीज। हाँ Thank you.
पिताजी की मौत के बाद वसीयत के मुताबिक चाचा जी को मेरा गार्डियन मुकर्रर कर दिया गया। और मदन, 15 मार्च तक वो मेरी शादी कर देना चाहते हैं। इंदिरा, तुम्हारे पिताजी ने ठीक ही सोचा था। सही उम्र में लड़कियों की शादी हो ही जाना चाहिए, वरना गलत रास्ते पर चल पड़ना उनके लिए नामुमकिन नहीं। मदन, तुम्हारी भी तो शादी नहीं है, तुम्हारी भी तो सही उम्र गुजर चुकी है। इंदिरा, मेरी तो बहुत सी मजबूरियां हैं। मदन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इंदिरा, इंदिरा तुम जानती हो मैं तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूँ। पूजा तो अपने से बड़ों की ही की जाती है। ये तो ठीक है, लेकिन लेकिन इंदिरा मैं तुम्हें खुद सलाह दूंगा कि तुम आगे कुछ न कहो। जब इतनी देर खामोश रहे हो तो अब भी खामोश रहो। सिर्फ इतना कहो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है या नहीं। इंदिरा, मेरे दिल में सिर्फ एक ही तस्वीर है और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ किसकी है। मेरी आंखें बंद करो। इंदिरा, बस यही एक तस्वीर जो मेरे दिल में है। मेरी माँ की आखिरी निशानी इंदिरा मेरे लिए ही बनी थी। इंदिरा की शादी मदन से। शादी या मौत। दोस्तों, मैंने आज आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए यहां आने के लिए तकलीफ की है। मेरे मरहूम भाई राय बहादुर अमर सिंह मरते वक्त अपनी बेटी इंदिरा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप गए थे। उनकी वसीयत के मुताबिक इंदिरा की शादी 15 मार्च से पहले हो जानी ही चाहिए। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि इंदिरा की शादी शहर के मशहूर मारूफ कलाकार मिस्टर मदन के साथ तय पाई है।
मुझे इत्तला भी करती रहना कि पुलिस इस केस के बारे में क्या सोचती है। ओके बॉस। Thank you.
मालूम होता है तुम्हारा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। कौन सा मैं? चलो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम इधर बैठो। मदन, मदन, क्या हुआ तुम्हें? दिखाने दा कौन सा, मेरी आंखों में कुछ हो गया। क्या कहा? घर में चोट लगने की वजह से शायद। चलो चलो तुम गाड़ी में बैठो। डॉक्टर साहब, रग भी नहीं फूटी, नस भी नहीं फूटी, लेकिन अंदर बड़े जोर का धक्का लगा है। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मेरी आंखें जल्दी अच्छी हो जाएंगी ना? इसी में कुछ सकता है, लंबा इलाज है, हो सकता है कि ऑपरेशन कराना। ऑपरेशन? ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, कल मेरी भतीजी से इनकी शादी होने वाली है। शादी? आप कुछ महीनों के लिए शादी मुलतवी कर। ये कैसे हो सकता है? वक्त निकल जाएगा। ठहरिए, मैं इंदिरा को टेलीफोन कर। लेकिन डॉक्टर साहब, वो प्लीज रिलैक्स यू। हेलो इंदिरा, मैं डॉक्टर बालिक यहां से बोल रहा हूं। हाँ, मदन का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ हाँ, तुम फौरन यहां चली आओ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इंदिरा से नहीं मिलना चाहता। आप मुझे घर पहुंचा दीजिए जल्दी। कुंवर साहब, कुंवर साहब, इंदिरा आ रही है। साहब, इन्हें समझा दीजिए, मैं इंदिरा से नहीं मिलना चाहता। कुंवर साहब, आप इन्हें घर ले जाइए, इंदिरा से मैं बात कर लूंगा। प्लीज कुंवर साहब। चलो बस बस, मदन बच गया। यू फूल! लेकिन सर पे चोट आने की वजह से वो अंधा हो गया। अब उसे मानना और भी आसान हो गया। अगर आप कहें तो मैं भी। नो नो, अब उसे मानना ठीक नहीं। वो लोग होशियार हो गए। तुमने क्या कहा? वो अंधा हो गया है? यस बॉस। इस वक्त वो कहाँ है? कंवर उसे मकान छोड़ने गया है। और इंदिरा? इंदिरा मदन से मिलने जा रही है। अकेली? यस बॉस। वेरी गुड। अगर 15 मार्च तक मदन अंधा रहा तो हमारे सब काम आसान हो जाएंगे। वेरी गुड। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, चाबी किसके पास है? लीजिए। नौकर कहाँ गया? नौकर शाम को चला जाता था। कुंवर साहब, अब आप जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुंवर साहब, जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। शुक्रिया कुंवर साहब। मदन, मदन
अफसोस, तुम्हारी आंखें भी चली गई, अब तुम अपनी शादी भी नहीं देख सकते। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, तुमने कैसे मालूम? मैं अंधा हो गया। अरे वो तो अरे वो मुझे कुंवर साहब ने बताया था। वो रास्ते से जा रहे थे, मैं रास्ते से आ रहा था, उन्होंने मुझे बताया। चले जाना। गजब करते हो यार, तुम ये समझते हो कि तुम्हारा खून मैं करना चाहता था? मैं उससे शादी जरूर करना चाहता था, लेकिन लेकिन मोहब्बत में खून करना ये अपने क्यों? मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर तुम्हारा मूड खराब है तो मैं कहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता था कि अगर मेरी तरफ से तुम्हारी कोई मदद वदद हो जाए। ठीक है, ओके बाय बाय। खराब नहीं हुई ना? डॉक्टर ने तो मुझे डरा ही दिया। डॉक्टर ने ठीक ही कहा था, मेरी आंखें बिल्कुल खराब हुई, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मैंने तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लिया इंदिरा। अंधेरे में कुछ कुछ डर सा महसूस हो रहा था, इसलिए दरवाजा बंद करने के लिए चलाया था। मदन, अब डरने की कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा यही रहूंगी। इंदिरा एक अंधे के साथ नहीं, तो मुझे भूल जाने की कोशिश करो। अच्छा वो ये वक्त शादी से पहले हो गया। ये तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि शादी के बाद उम्र भर तुम्हें जिंदगी भारी पड़ जाती। तुम जिंदा हो, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं समझता हूँ इंदिरा, मैं सब समझता हूँ, लेकिन मदन अब तो तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। बैठो, भूल जाओ उस एक्सीडेंट को, समझो कि वो हुआ ही नहीं। इंदिरा ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची साजिश थी मुझे मार डालने के लिए। इंदिरा क्या कहते हो, किसी को तुम्हारी जान लेकर क्या मिलेगा? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? शायद उस आदमी ने सोचा कि मुझे मार डालने से तुम उससे शादी कर लोगी। लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं जो दिल देकर वापस ले लूं। तुम जानते कि मैं तुम्हारे सिवा कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं जानता हूं इंदिरा, फिर ये क्या राज है? वो कौन है जो समझदार मेरे हट जाने से तुम मुझसे शादी कर लोगे और तुम्हारे रुपये समझ जाएंगे? समझ में नहीं आ रहा कौन है। मदन, अगर मेरे रुपये की वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे वो मुझे रुपये मिले या ना मिले। कौन है तुम्हारे साथ इंदिरा? कोई भी तो नहीं। तुम्हारे साथ कोई है? नहीं तो मदन। मेरी कोई आवाज सुनी? मदन शायद तुम डर गए हो। कौन है? मदन यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई नहीं है इंदिरा। तुम ठहरो, मैं अभी देख कर आती हूँ। बैठो ना। कौन है? मैं इंदिरा। इंदिरा तुम इस तरह चिल्लाए क्यों? क्या मैंने बहुत जोर से चिल्लाया था? नहीं, ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी ने तुम्हारा मुंह दबा दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं जब बाहर गई तो एक काली बिल्ली मेरे पर उछल पड़ी, इसलिए मैं डर गई थी। मैं समझा तुम पर भी कोई खतरा आने पड़ा। मुझ पर क्या खतरा आएगा, मेरी जान लेकर किसी को रुपया तो मिलने वाले हैं नहीं। मदन ये वहम अपने दिल से निकाल दो। तुम ठीक कहती इंदिरा, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, जो कुछ होना था तो हो चुका। आओ तुम्हें आराम की जरूरत है। अब तुम घर जाओ इंदिरा। तुम भी अकेले छोड़कर इस हालत में? देर हो चुकी, कुंवर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ओ हाँ,
अच्छी बात है, अगर कहते हो तो मैं जाती हूँ। मैंने तुमको 50 मरतबा कहा, 100 मरतबा सलाह दी कि तुम इंश्योरेंस करा लो, लेकिन तुम मानने वाले थे कब हो? मोहब्बत में दोस्तों की सलाह हर आशिक को बुरी लगती है, मोहब्बत में आदमी अंधा हो जाता है, ये सुना था लेकिन आज देख भी लिया। लेकिन ये सब इंश्योरेंस नहीं कराने का नतीजा है यार। लाइफ इंश्योरेंस कराता तो क्या फायदा, मेरी आंखें तो रही, जान तो बच गई। यही तो मुसीबत है ना कि अपने मुल्क में लोग इंश्योरेंस माइंड है, दूसरे मुल्कों में आदमी नाक कान मुंह आंख सब का इंश्योरेंस करा लेता है। जो 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 चीज मार खाए उसका डबल वसूल, लाइफ मार खाए तो भी। चमन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि एक्सीडेंट नहीं था, एक सोची साजिश थी मुझे मारने के लिए। और मैं भी उतनी बार कह चुका हूँ कि साजिश वाजिश नहीं, पर मुझे शक है। किस पर? मोहन और कंवर साहब और चमन और आपने मेरा भी नाम ले लिया, उस लड़की का नाम नहीं लेते? हाँ, वो इंदिरा, सब लड़कों का नाम लिए चले जा रहे हो, लड़की का नाम नहीं लेते। इंदिरा नहीं, वो लड़की जरूर बता सकते। कौन लड़की? जिसमें एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं एक लड़की से टकरा गया था। तो तुम लड़की से टकरा जाती है? लड़की तुमसे टकराई थी? शायद वही टकरा गई होगी, लेकिन वो जरूर बता सकती है। क्या बता सकती है? मोटर का नंबर। मोटर का नंबर? माना कि उस लड़की ने मोटर देखी, लेकिन अब आप उस लड़की को कैसे देख सकते हैं? अरे भाई, इस शहर के अंदर टोटल कुछ नहीं तो कम से कम 20 लाख लड़कियां हैं, और उन 20 लाख में से एक का पता चलाना अच्छे खासे आंख वाले के बस का काम नहीं है, तो फिर आप तो उसके किधर गए भाई? कमाल है, खसक गए क्या? कमाल है, अंधे होकर भी तस्वीर बना सकते हो? ये किसकी तस्वीर है चमन? लड़की की है। ये वही लड़की जो एक्सीडेंट के मौके पर मौजूद थी, इसी से मैं टकरा गया था। अच्छा, हाथ हटाना, सिर्फ पहचान लो अच्छी तरह से, क्योंकि तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ए भाई, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि आपने ये जो तस्वीर बनाई है उसी लड़की की है? इसलिए कि आपको तो दिखता नहीं है। दूसरा कागज दो मुझे। ये लो 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 लो। जल्दी है। चमन, अब जरा देखो। अरे, ये तो तुमने फिर वही तस्वीर बना डाली। तो फिर ये वही लड़की है, अगर ये लड़की मिल जाए तो सारा मामला सुलझ सकता है। मगर भाई, 50 लाख की आबादी में अपने बस का रोग नहीं इसको पता लगाना। मैं पुलिस को देता हूँ तस्वीर। देखो देखो, अगर पुलिस के नाम से वो डर गए तो हमेशा के लिए गायब हो जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा करो, इसको इसको सारे अखबारों में छाप दो, और इसके नीचे लिख दो कि परसों 12 बजे से पहले मुझसे मिले, वरना ढूंढ निकाली जाएगी। ये सिलसिला पर्चे का है तो खर्चे का, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है ना। एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अगर वो साजिश में मिली हुई है तो वो सब गलत सलाह बताएगी, इसलिए कि उसको पता है कि आपको दिखता नहीं है। मुझे सूरतें भी सब गलत बयान करेगी। बिल्कुल, ये भी हाल हो सकता है, लेकिन तुम्हें सरबार में जरूर छपा। अच्छी बात है।
उस संदेह ने तुम्हारी ये तस्वीर कैसे बनाई? मैं समझा था हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमें उसका कोई इंतजाम करना ही होगा। तुम्हें उससे मिलने जाना पड़ेगा, समझी? इधर आओ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आइए। आपने मुझे पहचाना? नहीं तो। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। बैठिए। थैंक यू। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एक दो तीन चार पाँच। ये मकान ढूंढने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने मेरा फोटो अखबार में क्यों शेयर किया? आपको उससे क्या काम है? आपकी नीयत तो ठीक है ना? नीयत बिल्कुल ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों बुलाया। अच्छी बात है। पहले चाय पी लीजिए। आइए। आप ही से जिता कर लाइए। आइए। मैंने कहा ना, आप ही ले लेताइए। अच्छी बात। आपका नाम? मिस चमना बाई। अभी तुम आ रही हूँ। दूध? एक चमचा। एक चमचा शकर? एक चमचा। वो भी एक चमचा। ये लीजिए। मेरा ख्याल कब पूसी को उठाने दिया जाए? क्यों? बिल्कुल, ये औरत लोग की एक्टिंग अपने से नहीं होती भाई। लेकिन अपना काम कैसा रहा? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे मैं तो भूल ही गई। मैं तो भूल ही गया कि आप चाहते नहीं। घंटी बजी। मेरे ख्याल वो आई है। जब तक आप सब सामान वही रखो अपनी जगह पर। जल्दी जल्दी। वही है, वही है, वही है। तुम सुन कहा किधर? आइए, मैं आपके इंतजार कर रहा था। आइए। रखिए। आपने मुझे पहचाना नहीं? लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। मकान ढूंढने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। कहिए आपको मुझसे क्या काम है? मेरी तस्वीर आपको कैसे मिल गई? अखबार में इश्तार देकर मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? इसलिए कि एक्सीडेंट के वक्त आप मौजूद थी। आपको मालूम है गाड़ी किसकी है। खैर, पहले आप चाय पी लीजिए, उसके बाद मैं बातें करता हूँ। आपका नाम पूछ सकता हूँ? मिस मेरी डिसोजा। मिस मेरी डिसोजा। दूध? दूध बस। शकर? एक चम्मच। एक चम्मच। मिस मेरी डिसोजा, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था आप वहां मौजूद थी और आप मुझसे टकरा गई थी। जी जी। हाँ हाँ, मुझे याद आया और मैंने आपसे माफी भी मांगी। अगर मैं कहूं कि आप जानबूझ के मुझसे टकरा गई थी? जी नहीं तो। अगर मैं पुलिस को खबर करूं? हाँ, मगर सुनिए तो। आप पहले चाय पी लीजिए। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था
क्या आपको मालूम है गाड़ी किसकी है? जी, मुझे तो नहीं मालूम। गाड़ी का रंग याद है आपको? गाड़ी कट कीजिए। हाँ हाँ याद आ गया, सब कलर की थी। तो गाड़ी का नंबर वो भी याद है आपको? नंबर याद कीजिए। नंबर 1539 थैंक यू। चाय पी लीजिए। पी चुकी। अच्छी बात है। तो मैं जा सकती हूँ? आपका पता? मेरा पता कोलाबा 53। कोलाबा 53 थैंक यू। ओके बाय बाय। बाय बाय। कैसे? उसे मालूम हो गया कि तुम अंधे हो? कैसे कैसे मालूम हो गया? अरे भाई उसने चाय के कप की जगह खाली कप रख दिया। सुनो चमनलाल, वो भी उनसे मिली हुई है, तुम उनका पीछे करो, जल्दी जाओ। अच्छा भाई, लेकिन मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, डिटेक्टिव नहीं। भाई दोस्त की ऐसी ऐसी करो, चलो। लड़की का पीछा करते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें पुलिस हवाले कर दूंगा। अबे घंटा कर, वो मेरी बीवी बीवी है। बीवी? हाँ, आजकल बीवी बीवी का हर वक्त पीछा करना चाहिए, एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो तुम्हारी शादी हुई है? हुई। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हुए हो? जाता हमें।
वो कहाँ है लाए दिन हम जिसके लिए शाद ये जहाँ है चांद वो कहाँ है लाए दिल हम जिसके लिए मेरा तो दिल 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 घबराए रे मेरी को जान 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 चली जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे मेरा तो दिल 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 घबराए रे मेरी को जान 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 चली जाए रे नहीं है वो तो हंसी है प्यार में जिसके पागल है हम तू वो नहीं है वो तो हंसी है प्यार में जिसके पागल है हम मेरा तो दिल 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 घबराए रे मेरी तो दिल जान 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 चली जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे मेरा तो दिल दिल मेरी तो जान 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 चली जाए रे इधर है बोल वो किधर है कौन से दिल में उसका है घर तू तो इधर है बोल वो किधर है कौन से दिल में उसका है घर मेरा तो दिल 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 घबराए रे मेरी तो जान 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 चली जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे मेरा तो दिल 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 घबराए रे मेरी तो जान 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 चली जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे जाए रे बॉय कौन मैं इंदिरा आज तुम्हें दूसरी कुछ मिलवाई हाँ वो स्टैंड की शीशी खत्म हो गई है इसलिए मैं पहचान ना सका इतने दिनों तक तुम आए नहीं सोच रहा था शायद तुम मुझे सचमुच भूल जाना चाहती हो ये बात नहीं मदन मैं जरा फिक्र में पड़ गई थी कि बस फिक्र यही कि तुम्हारी आंखों का क्या होगा अब तो तुम्हें दिखाई देने लगा है ना नहीं इंदिरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता शायद जिंदगी भर मैं देख सकूं सर वो जो तस्वीर अखबार में छपी है वो किसने बनाई है पता तो यही का था कैसी बातें कर रही है इंदिरा तुम तो जानती हो कि मैं आंखें बंद करके तस्वीरें बना लिया करता था ओ हाँ। ये तो उस लड़की को डराने के लिए चाल चली गई थी मुझे यकीन है कि एक्सीडेंट का राज को वही सुलझा सकती अजीब मदन भूल जाओ उस एक्सीडेंट को आखिर तुम उस लड़की से पूछना क्या चाहते हो खामखा उसे 12 बजे यहाँ बुलवा लिया खामखा और नहीं तो क्या
मैं सोच रही थी कि तुम्हें कहीं सैर कराने के लिए ले जाऊंगी, और तुम हो कि इस वहम को लिए बैठे हो। ये अंगूठी बिल्कुल ढीली हो गई। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर बैठे बैठे घबरा गई थी। ठीक कहती हो, इस हादसे के बाद तुम काफी कमजोर हो गई हो। चलो कोई बात चले। हाँ चलो, मेरा कोट उस कमरे से ले लो। जी अच्छा। आओ बैठो, जरा आगे बैठो। इंदिरा, तुम्हारी गाड़ी तो नहीं है ये? ओ, मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई है, मैं चाचा जी की गाड़ी लाई हूँ। गाड़ी है छोटी, मैं उस तरह से बैठता हूँ। अच्छी बात है, जल्दी करो। एक पास ठीक नहीं। हेलो मिस्टर मदन, हेलो मिस इंदिरा। कौन है? पता नहीं कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा। आप दोनों ने मुझे नहीं पहचाना? माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। जी जी, आप भूल गए, इसी जगह पर चंद महीने पहले आपकी तस्वीर इन्होंने बनाई। ओ मिस्टर जोशी, और उस तस्वीर को मैंने मुकम्मल किया और कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया। बड़ी खुशी की बात है मिस्टर जोशी, काश मैं मुकम्मल तस्वीर को देख सकता, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं। वेरी सॉरी मिस्टर मदन, आई एम वेरी सॉरी, जब भी आप मुझे नहीं पहचान सके। लेकिन हमारे पास फालतू वक्त नहीं है, मुझे इनसे कोई जरूरी बातें करना है। आइए मिस्टर मदन। इंद्री तुम्हें क्या हो गया, तुम इस कदर बदल गई हो, कितनी चिड़चिड़ी हो गई कि तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें मालूम है कि 15 मार्च आन पहुंची है, और अगर हमने 15 मार्च से पहले शादी ना की तो 12 लाख रुपए से हाथ धोना पड़ेंगे। इंदिरा, जहां तक मेरा ख्याल है हम दोनों फैसला कर चुके हैं कि जब तक मैं उन बदमाशों का पता नहीं लगा लूंगा, तुम शादी की बात तक मुझसे नहीं करोगे। मदन, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ तो 12 लाख रुपए का मामला है। इंदिरा मैं, मदन तुम समझते क्यों नहीं हो कि अगर हमें रुपए मिल जाए तो मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करवा सकूं। मदन क्यों ना हम आज ही शादी कर लें? इंदिरा, अगर मैं कहूं कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ओ ठीक है, तो मुझे मजबूरन किसी और से शादी करना होगी। तो तुम मुझे, इंदिरा मुझे घर ले चलो। चलिए। चलिए मैं आपको ऊपर पहुंचा देती हूँ। मैं चला जाऊंगा इंदिरा, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, जाइए। दिल ढूंढता है
सहारे लुटे दिल के अरमाबुके नैन तारे दिल ढूंढता है सहारे सहारे बहारे हुए गैर वो भी इसे हम पुकारे ये क्या दौर आया लो बदली बहारे हुए गैर वो भी इसे हम पुकारे जो कहते थे हम कि हम हैं तुम्हारे दिल ढूंढता है सहारे सहारे वफाइस जहां में कहीं भी न पाई हुई दूर मंजिल घटा गम की छाई वफाइस जहां में कहीं भी न पाई हुई दूर मंजिल घटा गम की छाई है काजल है काले जब दिन हमारे दिल ढूंढता है सहारे सहारे बनी मेरे दिल पर ये तस्वीर तेरी तुझे फिर न पाया ये तस्वीर मेरी बनी मेरे दिल पर ये तस्वीर तेरी तुझे फिर न पाया ये तस्वीर मेरी नहीं कोई अपना रहे बे सहारे दिल ढूंढता है सहारे सहारे लुटे दिल के अरमाब के नैन तारे दिल ढूंढता है सहारे सहारे मोहन मान गए भाई खूब पहचानते हो कभी कभी तो यूं शक होता है तुम देख भी सकते हो देख नहीं सकता लेकिन समझ लेता हूं मेरे घर में तुम्हारे सिवा तालियां बजाने और कौन आएगा भाई ये गलत है मैं आया था तुम्हारी मिजाज पूर्ति के लिए और तालियां इसलिए बजाई कि तुमने अच्छा गाना गाया लेकिन अब समझा कि तुम गम का गीत गा रहे हो लेकिन तुम्हें किस बात का गम है अंधे होते हुए तुम समीर लड़की से शादी कर रहे हो और उस लड़की के साथ जिसने मुझ जैसे शहर के कई लोगों को पागल बना रखा गम तो हमें होना चाहिए साहब हमें मोहन अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं शादी नहीं कर रहा हूं तो तुम्हें खुशी होगी क्या शादी नहीं कर रहा सच तुम्हारा मतलब यह कि अगर मैं शादी करना सोचता तो शायद मेरी आंखें बच जाती वो ये तुम्हारा वहम है ये तो ईश्वर की करनी है और तुम ये समझते हो कि ये एक्सीडेंट मैंने करवाया जो भी इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार है वो मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता ठीक है मैं जाता हूं अगर 15 मार्च से पहले तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए कि मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी क्या
क्या मुहिम है? मदन मदन, अब जाके किसी ले, 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 लड़की का पीछा किया, कमबख्त क्या ले, ले लड़की थी, चलती चली गई, थकने का नाम तक नहीं लिया, मालूम होता था क्रॉस कंट्री रे, 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 रेस हो रही है। तुम सुन रहे हो ना? मैं किस लड़की की बात कर रहा था? चमन, मैं इंदिरा के बारे में सोच रहा था। उस बहुत अच्छे, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ, आप इंदिरा की बात कर रहे हैं। अरे भाई, पीछा करते करते अपना दम फूल गया, कम वक्त कभी इस दुकान में, कभी उस दुकान में। आज क्या दिन है? बहुत अच्छा। मेरा मतलब 15 मार्च का है। मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, तुम दिन पूछ रहे हो। अपनी जासूसी में कोई दिलचस्पी नहीं रही? जब कोई दिलचस्पी ले तो दिलचस्पी रहती है। ये तुमको एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या सर समझ में नहीं आ रही है? इंदिरा वो इंदिरा नहीं रही, जब से मेरी आंखें खराब हुई तब से कुछ बदल सी गई है। अब सिर्फ दौलत से प्यार करती है, वो भी है जिंदगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी मेहनत पे पानी फिर गया, बेकार ही थे तलवे की से, और 4.5 रुपए का फटका पार्क कैफे में जबरदस्ती का खाया, और अंधेरे में बैठ के ठंडी चापी पार्क कैफे। हाँ भाई, उसी कैफे में तो वो लड़की घुसी थी। नाम मैंने कहाँ सुना पार्क कैफे? मुझे वाले चलो पार्क कैफे। मैं चलने वाला नहीं। चलो, मुझे यकीन है सारा राज वही है, मुझे ले चलो। हेलो, कौन? कुंवर साहब, मैं मदन बोल रहा हूँ। अजी, मुझे इंदिरा से बात करना है। अभी बात चली गई कहाँ? ब्लू कैफे, मोहन के साथ। जी, मैं खुद परेशान हूँ कुंवर साहब। जी नहीं, मैं बाहर से फोन कर रहा हूँ, घर में नहीं हूँ इस वक्त, जरा काम में इस वक्त नहीं आ सकता। अच्छी नहीं, अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ चमन है। जी, आपको क्या चाहिए फरमाइए ना। पोटैटोस, कोफ्ता, कोफ्ता। अरे मैं डिश नहीं बना। मैंने तो पार्क कैसे का पूरा हुदूद अरबाना नोट कर लिया है। जैसे ही तुम अंदर घुसोगे ना, तो 10 कदम के ऊपर खाली टेबल मिलेगा। टेबल की पहली कुर्सी पर बैठोगे तो आयन सामने काउंटर होगा। काउंटर के पीछे मिस मिलेगी, और उसके बाई साइड पे मालिक मिलेगा।
अच्छा तो काउंटर के किनारे पर एक हाथ के फासले पर जैसे टेलीफोन रखा हुआ होगा। अब तुम पहली कुर्सी पर बैठोगे ना, जब काउंटर की तरफ जाने लगोगे तो 3.5 का कदम पर एक पिलर मिलेगा, उससे बच के निकलना। समझ गए ना? हाँ सुनो, मगर मेरी से समझ में ये नहीं आता है कि तुम अकेले क्यों जाना चाहते हो। इसलिए कि इस वक्त इंदिरा और मोहन तुम्हें ब्लू कैफे में मिलेंगे, समझे? तुम्हें उनकी हर हरकत नोट करनी, हमारे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें यही मिलूंगा। अच्छा सुनिए, और अगर मैंने नहीं मिले तो मैं समझूंगा कि खतरा है। अच्छी बात है, तुमने वहाँ टाइम नोट किया? हाँ, उस वक्त 8:10 हुए थे और अब 15 हो गए होंगे। जब तुम अंदर पहुँचोगे ना तो 8:20 हो जाएंगे। एक बार चलो, मैं कहता सोच लिया है। देखो, यहाँ से टेलीफोन करने के बाद ही तुम्हारे चले जाना, अपने पास वक्त नहीं, समझो, ईश्वर पर भरोसा रखो। अच्छी बात है। गड़ी में तो 8:20 हैं। मेरी घड़ी हमेशा 10 मिनट से। मेरे लिए सिर्फ कॉफी और सैंडविच ले आना। यस सर। हेलो पार्क कैसे? पार्क कैसे? जी आपकी होटल में मिस्टर मदन होंगे, जरा उनको बुला दीजिए। काला चश्मा पहने हुए। मदन काला चश्मा लगाए? जी हाँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर बाली बोल रहा हूँ। डॉक्टर बाली, होल्ड ऑन प्लीज। बॉय, वो जो काला चश्मा लगाए बैठे हैं, उनको बोलो आपका चाहिए। साहब, आपका टेलीफोन है। मेरा टेलीफोन है? ओ यस। हेलो, अजय, मैं मदन बोल रहा हूँ। ओ डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? जी मुझको चमनलाल मिल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आप चमनलाल से मिल गए थे? जी हाँ, आंखें बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए तो मैं सारा शहर घूम रहा हूँ। जी हाँ, आपका इलाज बदस्तूर जारी है, आप फिक्र न कीजिए, आप अपना काम कीजिए। अच्छी बात है, आप भी अपना काम कीजिए, मैं अपने काम को जा रहा हूँ। मैं आपसे रात को वहीं मिलूंगा। बाय। अच्छी बात है, गुड नाइट। आप कैसी हैं मिस मैरी? फाइन। इन्हें नहीं पहचाना मैं? आई एम पिंचो, योर हम्बल सर्वेंट। सैंडविच और कॉफी सर। बेटा जी, हेलो। थैंक यू सर। तुम कब से काम कर रहे हो? तब से ये होटल चालू है। तब से ये होटल चालू हुई है, तब से मैं काम कर रहा हूँ सर। आप इस शहर में नए आए हैं? ये होटल कब चालू हुआ? जी 6 महीने हुआ। 6 महीने? जी। मेरा दोस्त कहता था कि वो साल भर पहले ही आया करता था, तुम करो 6 महीने पहले। साहब, ये होटल को चालू होकर 6 महीने हुआ और मुझको काम करते हुए 6 महीने हुआ, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता था। थैंक यू साहब। 6 महीने पहले पार्क कैफे। पार्क कैफे, मदन नीचे बैठा है बॉस, वो अंधा नहीं है, वो दिख सकता है बॉस, वो हम सबको बेवकूफ बना रहा है। इधर आओ।
यहाँ आ पहुंचा है और देख भी सकता है और तुम खड़े तमाशा देख रहे हो। ऐसे आदमी का हमारी दुनिया में कोई काम नहीं, जाओ अकल से काम समझे। टेलीफोन की मैं माफी चाहता हूँ। इट्स ऑल राइट। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज फिर तुमने मुझे मिलने का मौका दिया। मैं किस दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ इंदिरा? भगवान करे हम लोग इसी तरह रोजाना हर रोज मिलते हैं। और मैं इंदिरा हूँ, मैं
जानबूझकर बहाना किया था कि मैं अंधा हूं, ताकि मुझे मालूम हो जाए आप सच कहती हैं झूठ। आपने झूठ कहा था। भाई का मैंने झूठ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर आप मुझसे सब बातें ठीक ठीक नहीं बताएंगे तो मैं अभी पुलिस को खबर कर दूंगा। पुलिस? और अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं आपको बचा लूंगा, मैं वादा करता हूं आपको बचा लूंगा। भाई गॉड मैं सच कह रही, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस रात जान बूझ के आप मुझसे टकरा गई थी ताकि मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊँ। आपने मुझसे गाड़ी का नंबर झूठ कहा था। इस गाड़ी छू क्या नंबर उस गाड़ी का? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। आप अब मैं फिर पुलिस स्टेशन चली गई। मैं पुलिस स्टेशन नहीं हूँ। अच्छी बात, मैं कहीं से टेलीफोन कर देता हूँ। प्लीज टेलीफोन ना कीजिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? नहीं जी, मैं चलने को तैयार हूँ। चलिए। गाड़ी को रोक दी। रेलवे गेट है साहब। मैं देख कर आती हूँ कितना टाइम। नहीं तुम नहीं ठहरो। अच्छा ड्राइवर तुम देख करो। हेलो कौन बोल रहा है? मैं अफजल बोल रहा है। मदन तुम्हारे साथ है? जी हाँ बिल्कुल। तुम कहां से बोल रहे हो? मैं बांडा नेवल क्रॉसिंग से होगा। बिल्कुल तुम मदन को रेलवे लाइन पर ले जाओ,
और वहीं उसका खात्मा कर दो, समझे? बहुत अच्छा। गेट खुल गया। मैं अभी लिखकर देने के लिए तैयार। तुम कुछ भी कहो, कोरा कागज निकालो, मैं अभी दस्तखत कर देता हूँ। कोरा कागज नहीं, बल्कि तुम्हें स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करने होंगे। तुम मुझे हाई कोर्ट ले चलो, जेल में डाल दो, लेकिन मुझसे शादी कर लो इंदिरा। इंदिरा मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं चाचा जी से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। और देखो, अगर हमारी शादी हुई तो 15 मार्च को होगी, यानी कि कल। कल? तब तक के मुझे बहुत इंतजाम करनी है। ओके, बाय बाय। इंदिरा बोल रही है। हाँ हाँ इंदिरा, कल 15 मार्च को मदन के साथ शादी होगी। क्या कहा? मदन बांद्रा लोडन क्रॉसिंग पर? ओ ठीक है, मैं भी वहीं पहुंच जाती हूँ। ओके बाय। पुलिस स्टेशन आ गया। अरे मैं भागता नहीं हूँ। कैसे तुम यही कहना? तो मेरे साथ साथ चलो। इस पर तो मेरा कोई फोन नहीं। आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे बचा लेंगे। मुझे 2 सेकंड के लिए गिरने लग गया था। चमन क्या क्या कह रहा हूँ? चमन अंधेरा हो गया। चलो तुम्हें कैसे मालूम हुआ लेवल क्रॉसिंग में था? मुझसे मत पूछो, मैं बोलूंगा तो तुमको बुरा लगेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे इंदिरा से पता चला। इंदिरा ने तुमसे कहा? इंदिरा ने मुझसे कहा नहीं, बल्कि मैंने उसको कहते हुए सुना। इंदिरा को कैसे मालूम? इसलिए कि उसी ने तो तुमको लेवल क्रॉसिंग पे भेजा था। मुझे वहां भेजा
भेजा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन टेलीफोन पर वो जिससे गुफ्तगु कर रही थी उससे कुछ ऐसी ही बात कर रही थी। कैसे हो सकता है, तू क्या बुरा न मानो तो एक बात बोलू, मुझे तो पूरा शक है कि इंदिरा आपको जान से मार देना चाहती है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब आप उससे शादी करना नहीं चाहते तो वो आपकी जान के पीछे क्यों लगी हुई है। हो सकता है इंदिरा ऐसा नहीं कर सकती, इंदिरा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या आप अच्छी तरह जानते हैं, आपसे शादी का वादा करने के बावजूद कल वो मोहन से शादी कर रही है, 12 लाख रुपया मिलने वाला है 15 तारीख को। आज 14 तारीख है क्या? जी 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 जी, जो मैंने सोचा था क्या सोचा था, इंदिरा की जिंदगी खतरे में है। बहुत अच्छे, मारना आपको जो चाहती है जिंदगी उसकी खतरे में है। इंदिरा मुझे नहीं मारना चाहती, मैं इंदिरा को अच्छी तरह समझता हूँ। ठीक है, आप ज्यादा समझते हैं। ठीक है, इंदिरा को मैं ज्यादा समझता हूँ, इसलिए मेरी वजह से इंदिरा की जिंदगी खतरे में और जिंदा की वजह से मेरी जिंदगी खतरे में। मैं तो कहता हूँ चलो घर चले, तुम सो जाना। नहीं, पुलिस स्टेशन चलो। मैं तो कहता हूँ रेलवे स्टेशन चलो, पास जाएंगे ना, पास ना बजे पास नहीं। पुलिस स्टेशन चलो, पुलिस स्टेशन। आओ बेटी आओ, मैं बड़ी फिक्र में था, कल 15 तारीख है, तुमने अब तक आप उसकी फिक्र न करें चाचा जी, बस आप मेरी शादी कर दीजिए मोहन के साथ। मोहन के साथ? मदन तो राजी नहीं हुआ, वैसे मैं भी मदन से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन बेटी जहाँ तक मैं समझता हूँ मोहन तुमसे सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए शादी कर रहा है। उसका भी बंदोबस्त कर लिया है चाचा जी, आजकल तो भाई बहन चाचा किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या मतलब तुम्हारा? इस वक्त तो मैं बहुत थक गई हूँ, कल सुबह बातें होंगी, आराम करना चाहती हूँ। आओ चलो मैं तुम्हें कमरे तक पहुँचा दूँ। थैंक यू। आइए आइए मिस्टर मदन, बैठिए साहब। ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर शमीम, इंश्योरेंस एजेंट। इस वक्त आपको याद होगा जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैंने बयान दिया था कि एक एंग्लैंडर लड़की मुझसे टकरा गई थी। हाँ? उसने मुझे फिर से मार डालने की कोशिश की। कैसे? मुझे जख्मी करके बेहोशी की हालत में ट्रेन लाइन पर चला दिया ताकि मैं ट्रेन नीचे कट जाऊं। आपने उसका पता मालूम किया? जी हाँ, मिस मेरी डिसोजा वो पार्क काफे में काम करती। पार्क काफे? मिस्टर मदन एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, लेकिन आप अंधे होते हुए उसे कैसे शिनाख्त कर सकेंगे? हो सकता है वो कल साफ मुकर जाए। ये तो मैं भी कह चुका हूँ, लेकिन मानते ही नहीं, ये तो हर आंख वाले को बेवकूफ समझते हैं। हाँ चमन, इंस्पेक्टर साहब आपको याद होगा पार्क काफे एक साल पहले बंद हो चुका था। पार्क? हाँ वो पुलिस कमिश्नर के हुक्म से बंद हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ एक कत्ल, उस कत्ल का रिकॉर्ड आपकी फाइल में तो होगा। है? क्या मैं देख सकता हूँ? जरूर मिस्टर मदन। हवालदार इन्हें मिस्टर जोशी के पास ले जाओ और पार्क कैफे मर्डर केस का फाइल दिखाओ। क्या मैं तो पूछता हूँ कि पार्क कैफे मर्डर केस की फाइल से तुमको क्या हमारा पापा पता चला? यही कि इंदिरा की जिंदगी खतरे में है। फिर वही बात, तो क्या तुम उसको बचाने जा रहे हो? कमन इस वक्त मुझे मालूम करना है इंदिरा घर पहुंची नहीं। तुम्हारा मतलब है कि वो घर नहीं गई? नहीं। तो फिर मैं मोहन के साथ होगी। कैसे हो, जल्दी करो। मदन, इतनी रात के क्या बात है? मैं इंदिरा से मिलना चाहता हूँ, इंदिरा घर में है? हाँ घर में है, लेकिन तुम इतना घबराए जिंदगी खतरे में चली आई। चलिए
मैंने कहा ना आपसे कि मैं अभी अभी इंदिरा से गुड नाइट कह के आ रहा हूँ। देखिए दरवाजा भी बंद है। कुंवर साहब, इंदिरा से मेरा मिलना बहुत जरूरी, आपसे बुलाएंगे। अच्छी बात है। इंदिरा, 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 क्या बात, जल्दी से सो रही सकती इंदिरा। कुंवर साहब, मेरा ख्याल दरवाजा तोड़ दीजिए, मुझे शक इंदिरा मानेंगे। इंदिरा, 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 इंदिरा। इंदिरा, इंदिरा, क्या बात है? इंदिरा की जिंदगी खतरे में, चमन को लेकर मैं पाकर नहीं करता। मैं ही आपके पास चलता। नहीं, आप पुलिस लेके आइए। आप पुलिस मदन, मेरा ख्याल है इंदिरा मोहन के घर ही गई है। नई नई मोहब्बत है ना। चमन, इस वक्त इंदिरा पार्क कर रहे हैं। कल सुबह तक शायद का खात्मा कर दिया जाएगा, क्योंकि कल 15 मार्च है और इसी की साजिश पार्क कर रहा है। ना तो कुछ मेरी समझ में आ रहा है और ना तुम कुछ समझा पा रहे हो। हाँ हाँ, मुझे पार्क कहते कि साजिश में फंसना चाहते हो। चमन, अगर मैं अंधा नहीं होता तो तुम्हें कभी इस खतरे में नहीं डालता। मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती का फल चाहता हूँ। संभाल कर, तो क्या मैं आकादा नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो ये ख्याल था कि पुलिस लेके चलते तो ठीक रहता। पुलिस लेके तो कुंवर साहब आ रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं कंवर रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। देखिए, मेरी भतीजी घर से गायब हो गई है। जी हाँ, मुझे शक है कि बदमाश से पार कैसे ले गए हैं। आप फौरन तशरीफ ले आइए सिपाहियों के साथ। जी हाँ, थैंक यू। कब बंद हो गया? बिल्कुल सुनसान एकदम अंधेरे। अभी तो 12 भी नहीं बजे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ गया, पुलिस आने तक हमें कुछ करना ही है। पीछे दरवाजा चलो। कमाल है, पूरी लाइट बंद थी, पीछे की साइड पर तीसरे माले पर लाइट जल रही है। वही कुछ हो रहा है। चमन चलो चलो। अरे इस तरफ तो लारी खड़ी हुई है। कौन सी लारी? होटल की लारी। बड़े बड़े बक्से भर रहे हैं। क्या बक्से भर रहे हैं? और कुछ पता नहीं। इस तरफ से अच्छे से चलो। क्या हुआ? थिएटर कोई भी नहीं देखता है। अरे तीसरे माले पर एक खिड़की में लाइट नहीं है। तो चमन उसी में चला। मगर कैसे जाएंगे? कोई रास्ता ढूंढो ना। ये तो पाइप है। पाइप करके चलो, तुम्हें पता नहीं कितनी जरूरत की बात। तुम मुझे पिटवाओगे ऐसा लगता है। मेरे सर को बोला।
तुमको कैसे मालूम पड़ा? घर मालूम पड़ा। दरवाजा एक तो तुम्हारे सामने है, एक आवाज कैसे ला तो नहीं रहा? जिंदगी खतरे में है। गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? किसी चार पांच आदमियों ने इंदिरा को बक्से में बंद कर दिया है और ऊपर से सीले ठोक रहे हैं। जिंदा था ना? मैं तो कहता हूँ भाग चलो, वरना अपन भी मारे जाएंगे। उनके पास पिस्तौल चाकू। किसी तरह से पुलिस आने से पहले हमें रोकना पड़ेगा। मगर किसी कैसे? तुम मेरा हो जा, मुझे खबर देना चाहूँगा। जाओ आ रहा है। खान तू तो क्या है? ये आदमी के नीचे देखा है? कोई नहीं, ऑल क्लियर। माइक्रोफोन पर क्या कर रहे हो? आवाज कैसी? चमन, एक बात हो सकती है। मैक्रोफोन मुझे दो, मैक्रोफोन दे दो, स्विच ऑन करो। ये लाउड स्पीकर लेकर तुम कहीं रख दो। क्या मुसीबत है? जल्दी बंद हो गए। बिल्कुल खामोश हो गए। इसका मतलब है कि अब उस बक्से को लोग नहीं चले जाएंगे। खामोश रहो, पुलिस बोल रही है। हम जानते हैं कि तुम एक जिंदा लाश बक्से में बंद करके नहीं चले जाना चाहते हो, मगर तुम ये कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। लाइट ऑफ हो गई। खामोश रहो, तुम अंधेरे का फायदा उठाकर भाग नहीं सकते। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। एक-एक करके बाहर निकल। को थोड़ा वक्त मिल जाए, वो शायद बच जाए। वो तो बस पहुंच जाएंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? बाहर आ रहे हैं।
ने अपने हथियार जमीन पर डाल दिया। हाथ ऊपर करो। गोलियां चलाने से कोई फायदा नहीं। पुलिस हाल में नीचे इंतजार कर रही है। नीचे उतरा, नीचे उतरा जल्दी। भागने से कोई फायदा नहीं, तुम भाग नहीं सकते। भागने की कोशिश मत करो। खास वक्त नहीं है, देखो तो पुलिस आ रही थी। नहीं नीचे पुलिस तो नहीं आ रही है। ये लोग सामने से इधर आ रहे हैं। जिस कमरे में इंदिरा थी वो खाली है क्या? हाँ, जाको बताने की कोशिश करो, जल्दी भागो। कड़ाई मार खा जाएगी। ये अंधा अभी तक जिंदा है। इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। अगर मुझे मालूम होता इतना खतरनाक साबित होगा तो इसे उसी दिन खत्म कर देता। खैर, मछली खुद ब खुद आने फंस गई। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। उसका एक साथी उस कमरे में है। उसने खुद अपने आप को बंद कर रखा है। ना खुद बच सकता है, ना इंदिरा को बचा सकता। अब हमें तीन बक्से चाहिए। ठीक है, तुम जाके दरवाजा तोड़ो, मैं इसे वहीं लेकर आता हूं। ये मिशन शायद पुलिस की तो नहीं है। इन्होंने शायद रिपोर्ट कर दी है। तुम इसका ख्याल रखो, मैं भी आता हूं। मेरी कहां गई? पुलिस उनके आने से पहले इंदिरा खत्म कर दो। यहां तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा
आएगी। इनमें से एक आदमी मदन मालूम होता है, कहीं ऐसा ना हो भूत के गोली उसे लग जाए। दोनों जिंदा थे और इंदिरा को कत्ल करके निशा को इंदिरा बनाना चाहते थे। किसी को शक नहीं होने पाता क्योंकि तुम देख सकते हो। ये तो मैंने देखा ही नहीं कि तुम देख नहीं सकते हो। सर पर चोट लगने की वजह से फिर से मुझे दिखाई देने लगा। मुझे डर है फिर से अंधेरा ना हो जाए। हम भी तो तेरे दीवाने हैं, हम भी तो तेरे दीवाने हैं। दिल
तोड़ के ना जा, मुंह फेर के ना जा, दिल तोड़ के ना जा, हम भी